जयपुर की बगरू विधानसभा सीट पर हर बार चुनाव में बदलाव होता है। यहां एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को जीत मिल जाती है। जो दल जीतता है राजस्थान में उसी की सरकार बनती है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस भाजपा की अंतर्कलह और अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने के सपने संजोए है। वर्तमान में यहाँ गंगा देवी विधायक हैं। इस बार यहाँ से 2 दर्जन से ज्यादा नाम उम्मीदवारी की दौड़ में हैं। गंगा देवी, अशोक कुंदनपुरा, जिला प्रभारी जुल्फिकार नसीराबादी के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस बार यहाँ से युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की लंबी सूची उम्मीदवारी जता रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है अशोक कुंदनपुरा। यूथ कांग्रेस में जिला महासचिव रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रहे हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां पर 22.97 SC और 12.73% ST वर्ग के लोग रहते हैं। इसके साथ ही यहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण और जाट जाति के वोटर्स भी हैं। 2008 के परिसीमन में बनी इस सीट में जगतपुरा और बगरू के 2 ब्लॉक शामिल हैं। यहां हमेशा से ही कांग्रेस बगरू ब्लॉक से उम्मीदवार उतारती रही है। जबकि जातीय समीकरणों पर गौर करें तो जगतपुरा ब्लॉक को कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस इस सीट को सुरक्षित करने के लिहाज से जगतपुरा से कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी से कई सालों से जुड़े अशोक कुंदनपुरा का नाम भी इस दौड़ में सबसे आगे है। वे जगतपुरा ब्लॉक से संबंध रखने वाले आदर्श गांव से आते हैं, जिसकी आधारशिला कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कुंदनपुरा कांग्रेस में कई सालों से सक्रिय रहे हैं। युवा कांग्रेस में वे जिला महासचिव और 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2,93,929 मतदाताओं की इस विधानसभा क्षेत्र में 1,55,404 पुरुष और 1,38,525 महिलाएं हैं। इस सीट पर सीवरेज और कॉलोनियों में सफाई बड़े मुद्दे कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी निश्चित तौर पर यहां के मुद्दों पर सक्रिय रहने के साथ ही जनता से संवाद रखने वाले चेहरे पर अपना दांव खेलना चाहेगी। ब्यूरो न्यूज़, जनता दरबार।